तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका वॉल फैन नहीं चल रहा है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आप इस वीडियो की सहायता से किसी भी वॉल फैन को रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर वॉल फैन में क्या होता है, जो थ्री स्पीड स्विच लगा होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से भी हमारा जो वॉल फैन है वर्क नहीं करता। या फिर कभी कभार क्या होता है, जो वायर इसमें कनेक्ट रहती है वो क्या होती है, टर्मिनल से निकल जाती है। उस वजह से भी हमारा जो वॉल फैन है वर्क नहीं करता है। तो इस वीडियो की सहायता से आप अपने वॉल फैन को रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो आपको मैं एक बार चेक करवा के दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो वॉल फैन है वो नहीं चल रहा है। और यहाँ पर इसे चेक करने के लिए देखिए, मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है। अब इसकी वायर को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसकी वायर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और हम इसे चेक करेंगे कि हमारा जो वॉल फैन है, देखिए आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके सप्लाई कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया। देखिए, जैसे ही मैं इसके थ्री स्पीड स्विच को घुमाता हूँ तो यहाँ पर जो वॉल फैन हमारा नहीं चल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं वॉल फैन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है और अपने वॉल फैन को कैसे रिपेयर करना है। तो इसे चेक करने के लिए इसके नीचे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके नीचे इसके अंदर कनेक्शन हुआ होता है और यहाँ पर आपको ये स्क्रू दिखाई दे रहे हैं। इसको खोल लेते हैं ताकि हम इसके कनेक्शन को चेक कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों स्क्रू को खोल दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ऊपर आपको कवर प्लेट दिखाई दे रहा है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक लॉक टाइप का होता है, इसे पकड़ के इस तरह से निकाल देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने वॉल फैन में चेक कर लेना है कोई से भी वायर किसी भी टर्मिनल से ना निकला हो। अगर किसी टर्मिनल से वायर निकला हुआ है तो आपको उसे वापस वहीं लगा देना है। अगर आपको कनेक्शन करने प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कनेक्शन को समझते हैं। यहाँ पर मोटर की वाइंडिंग से चार तार आई हुई है, जो कि जिसमें ये जो तीन तार है वो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ग्रे वाली वायर है एक नंबर टर्मिनल पे, जो कि लो स्पीड के लिए, और ऑरेंज वाली दो नंबर पे, जो कि मीडियम स्पीड के लिए, और यहाँ पर रेड वाली वायर तीन नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट है, जो कि हाई स्पीड के लिए होती है। तो यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट रहता है। अब बात करते हैं इसमें जो मेन सप्लाई की वायर होती है, इसमें जो दो वायर होती है उसमें से एक जो वायर है वो यहाँ पर एल वायर टर्मिनल पर कनेक्ट होती है। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको रेड वाली वायर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी जो ब्लू वाली वायर है वो यहाँ पर डायरेक्ट वाइंडिंग की वायर से, नीली वाली वायर से कनेक्ट हो रखी है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर जो एक ब्लू वाली वायर इस वाइंडिंग की वायर से कनेक्ट हो रखी है डायरेक्ट, और यहाँ पर जो रेड वाली वायर है यहाँ पर एल वायर टर्मिनल पे इस टाइप से कनेक्ट होती है। तो इस टाइप से कनेक्शन होता है। अगर आपकी कोई वायर इसमें से निकल गई है तो आपको वापस लगा देना है। तो चलिए, एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर जो इसमें तार कनेक्ट है वो तार ख़राब तो नहीं, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल फैन है वर्क नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से आपको ही मेन सप्लाई की दोनों वायर को अलग कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने अलग कर दिया। अब इसे चेक करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है और इसकी वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि करंट ना लगे ऊपर, क्योंकि वायर ओपन हो रखी है। अब इसे चेक करने के लिए बल्ब होल्डर ले लेते हैं। देखिए, बल्ब होल्डर ले लिया। अब इस दोनों वायर को यहाँ पर हम टच करते हैं। देखिए, जैसे टच किया यहाँ पर बल्ब हमारा जलने लगा, इसका मतलब ये जो वायर है वो हमारे ठीक है। अब यहाँ पर या तो थ्री स्पीड स्विच में प्रॉब्लम है या फिर मोटर की वाइंडिंग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल फैन है वर्क नहीं कर रहा। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर थ्री स्पीड स्विच को चेक करना है, कहीं थ्री स्पीड स्विच में प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए, ब्लू वाले वायर को वैसे कनेक्ट कर दिया जैसे पहले कनेक्ट था। अब यहाँ पर मेन सप्लाई की एक रेड वाली वायर बची है, इसको क्या करना है, यहाँ पर तीनों टर्मिनल पे एक एक करके चेक करना है। इससे पता चल जाएगा हमारा जो थ्री स्पीड स्विच है वो ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा वॉल फैन वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस वॉल फैन की वायर को लगा दिया है। अब इस रेड वाली वायर को पहले एक नंबर टर्मिनल पर लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा वॉल फैन है वर्क करने लगा है। दूसरे पर लगाते हैं, जो कि मीडियम स्पीड के लिए। देखिए, यहाँ पर जैसे लगाए यहाँ पर वॉल फैन हमारा चलने लगा है। और यहाँ पर तीन नंबर टर्मिनल पर लगाते हैं, जो कि हाई स्पीड के लिए होता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे टच किया यहाँ पर जो वॉल फैन है यहाँ पर हाई स्पीड में चल रहा है। इसका मतलब हमारे इस थ्री स्पीड स्विच में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल फैन था वर्क नहीं कर रहा था। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर जो एल वायर टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो इसका कनेक्टर होता है वो क्या होता है, टच नहीं होता वायर, इसकी वजह से यहाँ पर तीनों पॉइंट में सप्लाई नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा थ्री स्पीड स्विच वर्क नहीं करता, वॉल फैन नहीं चलता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, या तो डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, इस वायर को और छील के इसके इसमें वापस लगा के चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस वायर को थोड़ा सा और छील दिया, यहाँ पर इस वायर को थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसके अंदर टर्मिनल होता है वो अच्छी तरह से टच हो जाए। तो यहाँ पर एक बार हमें चेक कर लेना यहाँ पर वर्क करता है कि नहीं करता। देखिए, यहाँ पर मैंने इस टाइप से लगा दिया है। अगर इस टाइप से करने के बाद भी हमारा जो वॉल फैन है नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब जो थ्री स्पीड स्विच है वो ख़राब हो गया है। और अगर ख़राब हो गया तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करके चलाना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थ्री स्पीड स्विच है यहाँ पर जीरो पे है, और हम इसकी वायर को लगा देते हैं और इसको चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर इसकी वायर को मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर इसे एक नंबर पर चलाते हैं।
तो देखिए जैसे एक नंबर पे किया हमारा जो वॉल फैन है चलने लगा, दो नंबर पे देखिए चलने लगा, और तीन नंबर पे देखिए यहाँ पर जो वॉल फैन हमारा चल रहा है, तो इस टाइप से हमारा जो वॉल फैन है यहाँ पर वर्क करने लगा। यहाँ पर जो एल वाला टर्मिनल था उसमें प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारा जो वॉल फैन है वर्क नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं अगर आपका वॉल फैन इस टाइम भी वर्क नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, एल वाले टर्मिनल से इस वायर को निकाल लेना है, और यहाँ पर जो तीन नंबर टर्मिनल वायर कनेक्ट हो रखी है इसको भी यहाँ से निकाल लेना है, और इन दोनों वायरों को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। जैसे कि मैंने ये बताया, एल वाले टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट रहती है उसको निकाल लेना है, और तीन नंबर टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट रखी है उसको निकाल लेना, और दोनों वायर को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। और इससे क्या होगा, आपका जो वॉल फैन है वो डायरेक्ट हो जाएगा, और आप अपने वॉल फैन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो थ्री स्पीड स्विच है यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ख़राब है, या आप चाहें तो थ्री स्पीड स्विच को चेंज कर सकते हैं और वैसे कनेक्शन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसे ऑन किया, हमारा जो वॉल फैन है यहाँ पर चलने लगा है, और यहाँ पर जो वॉल फैन है यहाँ पर फुल स्पीड में चल रहा है। तो इस टाइप से आप भी दोस्तों अपने वॉल फैन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसको रिपेयर करने प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।